कौन है बोलिए? आशिक़ रसूल। और मैं पिछले जलसे में मैंने ख्याल किया था, लेकिन शायद किसी वजह से मैं अमल नहीं कर पाया। एक DIG पुलिस हाजर सर्वस, उसने मेरे मुमताज कादरी की मनकबत लिखी है। क्या किया? मनकबत लिखी है। किसने? हैरानगी की गल है कि नहीं भाई? हैरानगी की बात है कि नहीं कि DIG तारीफ लिख रहा है किसकी है? पुलिस के कांस्टेबल की। वो कांस्टेबल के जो अब ड्यूटी से फारिग हो गया, उस कांस्टेबल की बात, उस कांस्टेबल की तारीफ कर रहे कौन? DIG। मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा हजरत ये बताएं आपके अंदर ये तड़प कैसे आई कि आप इस पुलिस मैन की तारीफ के अंदर कलम उठाएं? मुझे कहने लगे बस यूं ही। एक दिन मैंने नेट खोला तो मैंने देखा कि एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है, पीछे हथकड़ियां लगी हुई है। और वो ये बड़े मजे से पढ़ रहा है कि या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। DIG पुलिस कहने लगा अल्लाह की कसम, मैंने जब देखा कि ये जंजीरों में झगड़ा हुआ इंसान पुलिस कस्टडी में। हाँ, मैं खुद पुलिस का अफसर हूं, मुझे पता है कि हम बड़े बड़ों की चीखें निकाल के रख देते हैं, लेकिन एक बंदा जो वक्त के इतने बड़े ओहदेदार को कत्ल करे, वो इस तरह कुर्सी में बैठे और बेधड़क होकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहे या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करे ते बाकी खैर, खुश रवि अच्छी लगी ना। उधर मैं पढ़ना लू, खुश रवि अच्छी लगी ना, सर भरी अच्छी लगी हम फकीरों को, मदीने की गली अच्छी लगी या रसूल अल्लाह। जितने भी मेरे नबी के आशिक हो, बुलंद आवाज से झूम कर तरफ पढ़ लो या हरकत में आई। मैंने ये लिखा, क्या लिखा? लिखता है कि हर सुबह पे हर तरफ ये है तेरी आवाज़े, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़ है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़ बढ़ के नहीं बनाया। ऐसे नहीं, स्टेज से भी आवाज है रसूल के आशिक का तस्करो, और हमारे उसी तरह मुर्दा सी हालत तो भेड़ी सी पूछियां बड़ी हूं हमारी यार, ये को मजा नहीं आता है। बुलंदाबाद से या रसूल अल्लाह पढ़ू तो या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, ये झूम के पढ़ना है। अब जरा सुनो शायर क्या कहते हैं कि अक्ल से पर्दा जिहालत ने उठाया ही नहीं, ऐले मंतिक की समझ में मामला आया नहीं, ऐले मंतिक की समझ में मामला आया नहीं, मुमताज़ है या
दिया गे सब गुलामों का परम जिस जवाने रख दिया गे सब गुलामों का परम बंदगी को फख्र उस पर आशिकी को नाज है आशिकों की पस में ममता आशिकों की बज़्म में मुमताज ही मुमताज है आशिकों की बज़्म में मुमताज ही और हम कराची वालों में अब चुबा होकर हमारा दिल करता है हम ये पढ़े कि तेरी जुर्रत तेरी अजमत तेरी जुर्रत अजीमतों को अहले मिल्लत का सलाम तेरी जुर्रत अजीमतों को अहले मिल्लत का सलाम ओ मुबारक तुझको गाजी तूने जो पाया मकान दे तुझको हाय हाय हो मुबारक तुझको आशिकों की बज़्म में ममता और बड़ा खास जुमला लिखा डीआईजी पुलिस ने कहता है हो न कुर्बानी तो कोई दास्तां सजती नहीं इतने कोई नथान आ गया तो तुम इन किन्ना जना प्रोटोकॉल भी दोगे तो किन्ना गल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का करम है जितना उलमा को अल्लाह ने माशरे में इज्जत दी है हम किसी की इज्जतों पे जलने वाले नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि जोक जरा आपको आना चाहिए ना हाथ लहरा के जरा जज्बा है चेहरे पे रोना ताकि ये आंखें और आप ये समझते नहीं है आपको देखने वाली सैकड़ों आंखें जो ये रिपोर्ट देती है लोगों का जज्बा कैसा था नारे क्या थे धड़क धड़ल्ले से यहाँ पर अपने इश्क का मुजाहरा करो ताकि ऊपर तक की आवाज जाए खबरदार मुमताज की तरफ हाथ बढ़ाया ये कुछ भी करने के लिए तैयार है तैयार हो के नहीं हो फिर बुलंद आवाज से तैयार हो के नहीं हो हाँ तो फिर जरा सुनो वो क्या कहते हो ना कुर्बानी तो कोई दास तो सजदी नहीं इश्की अहमद के बिना इश्की अहमद के बिना कोई बात बनती ही नहीं जान दे ताहिर ये गीत जिंदगी का राज है और फिर आजकल ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना मीडिया पे उनको शायर क्या पैगाम दे रहे हैं वो क्या कहते हैं होशमंदी का तकाजा होश से सब काम ले बंदे दे पुत्र उन्हों पुठियां गल्ला ना करो होशमंदी का तकाजा होश से सब काम ले बेअदब तनकीद करने वाले इतना जान ले आशिका ने मुस्तफा का ये भी एक अंदाज है मैं चाहता हूं कि जरा तड़प के इसका इजहार करो ताकि गुस्ताखों को पता लग जाए आशिक बनने के लिए लंबी चौड़ी दाढ़ी की जरूरत नहीं है किसी लंबे चौड़े चिल्ले की जरूरत नहीं क्या पता किस जगह कौन सा कोई आशिक ये कहकर खड़ा हो जाए और भी कुछ नहीं कीता चलो नबी दे ना ते जान ते दे आइए